मैं आपका कोई वीडियो छोड़ती नहीं, रुद्राभिषेक नहीं छोड़ती, आरती नहीं छोड़ती। इतनी श्रद्धा है और ऐसे ऐसे विषम कार्य थे जो हो ही नहीं सकते थे, जून के बाद वो हो गए। एक मकान हमने बनाया था अपनी, मेरे पेरेंटल हाउस जो मेरे हस्बैंड के थे, वो बोलते बन ही नहीं सकता वो मकान, 3 साल से वो लगे थे। फिर जब कोई बात होती, नहीं आप अपने गुरुदेव को बोलिए, तो मैं आपका ही नाम लेती हूँ, बाबा माँ का नाम लेती हूँ, और वो 6 महीने के अंदर वो मकान बन गया और उसका जो गृह प्रवेश हुआ करौली शंकर महादेव का ही मैंने उसका नाम दिया, वो उसका नाम ही करौली शंकर धाम है। और गुरुदेव मैं आज बता नहीं सकती, मैं इमोशनल हो गई हूँ। चाहे तो मैं बहुत लोगों को कंट्रोल करती थी, बहुत भाषण देती थी, प्रिंसिपल हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मगर आज आपके सामने खड़ी नहीं हो पा रही। खूब खुश रहिए, माफ करना। प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो बेटा। मेरा आज परम सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और चाहे ऑनलाइन बात कर रही हूँ, मगर इससे अनमोल क्षण मेरे जीवन में कभी नहीं आया। मैं इतनी खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ आपको देख के, मेरी आंखें तरस गई थी जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ रोज सुबह शाम। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारी आंखें इसलिए खराब हो गई है, मगर मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे इतना विश्वास है इस दरबार में शायद ही किसी को होगा, पूर्ण श्रद्धा है तो इस दरबार ने मुझे दिया है। जब मैंने यहाँ से दीक्षा ली है, गुरुदेव आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत संपन्न परिवार की हूँ, बच्चे अमेरिका में, दोनों बेटियाँ, बेटा डॉक्टर है, मगर पता नहीं क्या बात है, मैं आपका कोई वीडियो छोड़ती नहीं, रुद्राभिषेक नहीं छोड़ती, आरती नहीं छोड़ती। इतनी श्रद्धा है और ऐसे ऐसे विषम कार्य थे जो हो ही नहीं सकते थे, जून के बाद वो हो गए। एक मकान हमने बनाया था अपनी, मेरे पेरेंटल हाउस जो मेरे हस्बैंड के थे, वो बोलते बन ही नहीं सकता वो मकान, 3 साल से वो लगे थे। फिर जब कोई बात होती, नहीं आप अपने गुरुदेव को बोलिए, तो मैं आपका ही नाम लेती हूँ, बाबा माँ का नाम लेती हूँ, और वो 6 महीने के अंदर वो मकान बन गया और उसका जो गृह प्रवेश हुआ करौली शंकर महादेव का ही मैंने उसका नाम दिया, वो उसका नाम ही करौली शंकर धाम है। और गुरुदेव मैं आज बता नहीं सकती, मैं इमोशनल हो गई हूँ। चाहे तो मैं बहुत लोगों को कंट्रोल करती थी, बहुत भाषण देती थी, प्रिंसिपल हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मगर आज आपके सामने खड़ी नहीं हो पा रही। खूब खुश रहिए, माफ करना। ये आशिकी है ना, ये मुझे सबसे अच्छे लगते हैं इस दरबार, सबसे अच्छे मुझे ये लगते हैं, और जब मैं इनको देखती हूँ मुझे सचमुच में वही प्रतिमा नजर आती है जो आपकी आती है, वही श्रद्धा भाव मेरे लिए। सब बच्चे अच्छे हैं, नहीं सभी अच्छे हैं गुरुदेव, मैं ये नहीं कह रही, मगर पता नहीं क्या मुझे इनसे बहुत अटैचमेंट है, जब मैं इनको देखती हूँ तो आप याद आ जाते हैं मुझे। तो गुरुदेव मैं आज आई हूँ, मैं आई थी, मेरे को 16 तारीख को कुत्ते ने काट लिया यहीं पे। तो मेरे बेटे ने इमीडिएटली फोन किया कि रैबिस का इंजेक्शन लगाइए, तो आप देखिए आपका और बाबा का कमाल, रैबिस इंजेक्शन वो आ गया यहाँ पे, और उन्होंने मुझे 2 लगा दिया, अब तीसरा भी 24 को लगा के ही जाऊंगी। फिर मैंने निश्चय लिया कि मैं वनडे भी करूंगी, और वनडे करा, हस्बैंड से ऑनलाइन पैसा मंगाया, और वनडे में जो मैंने अनुभूति की है, यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये सचमुच में वनडे आप जरूर करिए जीवन में, अगर आपको रोगों से मुक्ति पानी है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है जीवन। क्योंकि मैं आज जो देख रही हूँ ना गुरुदेव, पहले मैं 3 महीने पहले शादी कर, आप बेटे की भी शादी हो गई, आपको मुबारक दे दूं, मैंने कार्ड भी भेजा था सबको, बधाई हो, हाँ बेटे की शादी हो गई, बस उनको आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैं 3 महीने से गिर गई थी, और सब मुझे बोल रहे हैं शादी थी, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर्स घर में, मैंने किसी से इलाज नहीं कराया, मैंने बोला मेरे गुरुदेव कर रहे हैं मेरा इलाज, मेरी शादी भी वही कराएंगे, और आप मानेंगे नहीं, इतनी मतलब परिस्थितियां ऐसी आई, बहुत दूर जाना पड़ा हमें डेस्टिनेशन मैरिज के लिए, परंतु सब कार्य आपने सफल कर दिया, वहां सिर्फ करौली शंकर का नाम घूम घूमूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे जो दर्द है मुझे पता है, आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है, ये वाली राइट आईज, क्योंकि मैं बहुत वीडियो देखती हूँ आपका, और उसके कारण मेरी थोड़ी आईज क्लॉट आया, हाँ वो कर रही हूँ गुरुदेव, इतना कर ली। मेरे परिवार में DNA में 4 सदस्य है, मैं, मेरे हस्बैंड, और मेरे जो बेटा डॉक्टर है जो, और बहू है, तो सबको ठीक रखिए गुरुदेव। बस बेटे की जो शिक्षा, आगे की शिक्षा जो थी ना, पढ़ाई उसकी आगे की, उसमें थोड़ी बाधा आ रही, नहीं आए, नहीं आएगी। आंखें जरा बंद करिए, आंखें बंद करिए, कुत्ते ने जब आपको काटा था वो क्षण याद करिए, ओम प्रहार।
उच्चारण इसमें नष्ट कर दिया जाए, इसमें निकाल कर फेंक दिया जाए दूसरे पीछे। शुद्ध माँ अवश्य आंखों में वह शुद्ध जो दवाइयों का जो दुष्प्रभाव नष्ट कर दिया। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, बंधन कीजिए तीन बार। अब आंखों से देखिए रोशनी की तरफ, ऊपर रोशनी की तरफ देखिए आंखों से, कोई कष्ट नहीं आ रहा? क्लॉट हो गया था डॉक्टर गुरुदेव, यहाँ क्लॉट था, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने शंकर नेत्रालय मद्रास से ऑपरेशन कराया था जब मैं सर्विस में थी, उसके बाद ये एक ऑपरेशन और हुआ। अब डॉक्टर कहते नहीं आपको मोती हो गए, मैंने बोला मैं नहीं कराऊंगी, मैं गुरुदेव मुझे ठीक करेंगे, गुरुदेव मुझे ठीक करेंगे, खुश हो बस। मैं तो मेरे को तो जो भी बीमारी है मुझे पता आप ठीक कर देंगे, है कोई बीमारी गुरुदेव? नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। एकदम तमाम स्मृतियां थी सब नष्ट हो गई। दिखाएं क्या क्या नष्ट हुआ, दिखाएं, देखो क्या क्या नष्ट हुआ, देखिए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी, बोन मैरो दूषित था, आंखों में धुंधलापन, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, चुभन होती थी, स्लीप डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, गुदा द्वार में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, अपच की स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की, नोजिया की स्मृतियां थी, हाथों में इन्फेक्शन व सूजन था, कैंसर की स्मृतियां थी, स्पाइनल कॉर्ड में, गुदा द्वार में, भोजन नली में और हाथों में, सब नष्ट। कल महावन कर लीजिएगा, दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है कल कर लीजिए, खुश हो, खूब प्रसन्न। Thank you.